बंगाल में दुर्गा पूजा भावनाओं का एक भव्य प्रदर्शन है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम करेंगे नॉर्थ कोलकाता के 3 ऐतिहासिक दुर्गा पूजा पंडाल के दर्शन। हेलो नमस्ते सलाम दोस्तों, मैं कोलकाता से आपका दोस्त मिस्टर यूट्यूबर। तो शुरू करते हैं ये पूजा स्पेशल ब्लॉग। कुमारटुली पार्क दुर्गा पूजा उत्तरी कोलकाता क्षेत्र में एक बहुत ही प्रसिद्ध दुर्गा पूजा है। यहाँ 1992 से दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। भव्य पंडाल और देवी दुर्गा की करिश्माई मूर्ति शहर भर से लोगों को आकर्षित कर रही है। कुमारटुली में सैकड़ों कुम्हार और कलाकार रहते हैं, जो सड़कों और गलियों के भीड़भाड़ वाले नेटवर्क वाला क्षेत्र है, जहाँ वे विभिन्न त्योहारों के लिए मूर्तियाँ तराश कर अपनी जीविका चलाते हैं। तो चलो अब यहाँ से निकल के चलते हैं बेनियातोला सार्वजनिक। इस बार इनका पंडाल का थीम है ज्वालामुखी यानी वोल्केनो। और जो बात इस पूजा को खास बनाती है वो है 11 फुट की देवी दुर्गा की मूर्ति, जो अष्ट धातु से बना है और जिसका वजन है 1 मेट्रिक टन या फिर 1000 किलो। ये मूर्ति इतना भारी है कि इसे स्थापित करने के लिए क्रेन मंगवाया गया था। लगभग 35 लाख की लागत से ये मूर्ति बनकर तैयार हुई है और प्रसिद्ध मूर्ति शिल्पी मिंटू पाल पूरे प्रोजेक्ट के प्रभारी थे। अब वक्त आ गया है यहाँ से विदा लेने का और चलेंगे आहरीतोला सार्वजनिक। और इस बार इनका थीम है गुजरात का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर और इस थीम का ऑफिशियल नाम है अविनाशवर, मतलब ना आदि ना अंत है जिसका। 30 फुट ऊंचा ये पंडाल निश्चित रूप से लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। तो चलो यहाँ से निकल के चलते हैं कोलकाता के एक राजबाड़ी में और देखते हैं वहाँ का पूजा कैसा होता है। इस राजबाड़ी का नाम है हिम कुटीर। राजबाड़ी हो या बोनेदी बाड़ी, इनका खासियत है एक चाला ठाकुर। ये दुर्गा पूजा दौ परिवार की है जो 157 वर्षों से मनाई जा रही है। मिलता जल्द, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेरे वीडियोस देखते रहिए।